बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास ऑफ फिज़िक्स फॉर सेकेंड ईयर। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द ओहन्स लॉ। सिंपली ओहन्स लॉ के स्टेटमेंट को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अप्लाइड वोल्टेज अनलेस अनटिल द फिजिकल कंडीशन ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज, मीन्स के टेम्परेचर फिक्स रहे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा था कि जो भी हमारे पास ओहमिक डिवाइसेस होती हैं उनके लिए हम लोग जो आईवी कर्व स्केच कर रहे थे दैट वाज सिंपली अ स्ट्रेट लाइन, और हम लोगों ने स्लोप देखा था, स्लोप ऑफ आईवी कर्व ऑफ द ओहमिक डिवाइसेस इज सिंपली द कंडक्टेंस और रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। और फिर हम लोगों ने डिवाइसेस को दो डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया था, द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ डिवाइसेस ओहमिक एंड द अदर वाज द नॉन ओहमिक। और इससे रिलेटेड हम लोगों ने नॉन ओहमिक डिवाइसेस के तौर पे फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, सेमीकंडक्टर डायोड, थर्मिस्टर्स के हवाले से डिस्कशन की थी थोड़ी सी। नाउ जब हम लोग ओहम्स लॉ स्टडी कर रहे थे तो हम लोगों ने एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस की थी, दैट इज़ वन डिवाइडेड बाई आर। और मैंने आपको बताया था आर इज़ व्हाट इट इज़ बेसिकली द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एंड आई हैव टोल्ड यू बाय देन कि हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की नेचर है या इसको आप लोग अपने माइंड में किस तरह से अज्यूम कर सकते हो, जिस तरह से आप लोग ने अपनी फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 6 में ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब आप किसी भी फ्लूइड में मूव करते हैं कोई भी बॉडी, तो उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगती है जो उसके मोशन को रोकने की कोशिश करती है। सेम जो नेचर वहाँ पे ड्रैग फोर्स की थी, यही यहाँ पे वही रोल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्ले कर रही है, या आपकी डेली लाइफ में आपके मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन होती है, तो आप लोग उस फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट या फ्रिक्शन के बारे में जो इमेजिनेशन है वही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में है, बारे में आप लोग रख सकते हैं। और यू कैन सिंपली से दैट कि इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन जो है दैट इज़ एक्चुअली द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आज का टॉपिक है, और इसको फॉर्मल इसकी डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करेगा, आप लोगों ने एक्सटर्नल के ऊपर वोल्टेज सोर्स लगाया होगा, उस वोल्टेज सोर्स की वजह से जब करंट फ्लो करेगा तो उस करंट को वो जिस मटेरियल में फ्लो कर रहा है वो मटेरियल कुछ थोड़ी सी अपोजिशन ऑफर करेगा। दैट अपोजिशन विच इज़ ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय द मटेरियल इन विच द करंट इज़ फ्लोइंग इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन अ सिंपल वर्ड्स कैन बी डिफाइंड एज द अपोजिशन, सिंपली यू कैन से इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ करंट, और सिंपली फ्लो ऑफ चार्जेस यू कैन ऑल्सो से ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द मटेरियल इन विच करंट इज फ्लोइंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और सिंपली रेजिस्टेंस। ओके, सो सिंपली आई हैव डिफाइंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एज अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द मटेरियल इन विच द करंट इज फ्लोइंग इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस for the electrical resistance is simply according to Ohm's law, you know that V is equal to current times resistance, and simply यहाँ से ही आप लोग रेजिस्टेंस के लिए फॉर्म लिख सकते हो R resistance, this will be equal to simply
वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट, वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट वी डिवाइडेड बाई आई के। फ्रॉम दिस मच मैथमेटिकल फॉर्म यू कैन ईजीली डेराइव यूनिट, यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट इज सिंपली फ्रॉम इट्स मैथमेटिकल फॉर्म आर इज अ सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वी वोल्टेज सो वोल्ट्स एंड आई इज अ करंट विच हैज़ अ यूनिट एम्पेयर्स सो वोल्ट पर एम्पेयर इज अ यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड दिस यूनिट इज गिवन अ स्पेशल नेम कॉल्ड एज द ओहम विच इज़ बेस्ड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड विच इज डिनोटेड बाई अ स्पेशल सिम्बल दैट इज द ओमेगा। So this much is simply the unit for the electrical resistance. From here we can see that the electrical resistance has no direction associated with it. So if we discuss its nature, then by nature this electrical resistance is a scalar physical quantity having no direction. And obviously आप लोग इसी mathematical form से electrical resistance के लिए dimensions भी डिराइव कर सकते हैं। सिंपली फॉर द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर इंडिकेटेड बाय सिंबल आर विच इज वोल्ट्स पर एम्पियर। यहां से मैं इसके लिए डायमेंशंस ड्राइव करूंगा। आई नो दैट वोल्ट इज व्हाट इट इज सिंपली वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज जूल पर कूलम। सो दिस वोल्ट इज सिंपली जूल पर कूलम एंड दिस एम्पियर, एम्पियर इज ऑलरेडी इन द बेस यूनिट्स। सो मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा, एम्पियर। ओके, जूल मुझे पता है न्यूटन इनटू मीटर के इक्वेलेंट है। सो जूल की जगह मैं सिंपली न्यूटन इनटू मीटर डिवाइडेड बाय कूलम को मैं डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, कूलम इनटू एम्पियर। इसमें मैं अगर देखूँ न्यूटन भी डिराइव्ड है, कूलम भी डिराइव्ड है, मीटर और एम्पियर ये बेस यूनिट्स हैं। सो न्यूटन को मैं सिंपल करके लिख देता हूँ के जी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर इंटू ये वाला मीटर एज इट इज कूलम। कूलम को हम लोगों ने देखा दिट इज एम्पियर इंटू सेकेंड। सो कूलम इज सिंपली एम्पियर इंटू सेकेंड और ये एम्पियर एज इट इज, दिस मच एम्पियर इज एज इट इज। ओके, नाउ सिंपल इन सब यूनिट्स को आप लोग लिख लें के जी मीटर 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 स्क्वेयर्स, मीटर स्क्वेयर्स डिवाइडेड बाय एम्पेयर 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 स्क्वेयर्स, एम्पेयर स्क्वेयर्स इनटू सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड स्क्वेयर, दिस इज सिंपली सेकंड क्यूब। सो नाउ इट्स डायमेंशंस विल बी एम एल पावर टू टी पावर माइनस थ्री एंड ए पावर माइनस टू, ए पावर माइनस टू। सो दीज विल बी द डायमेंशंस ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जो अभी करंट टेक्स्ट आ रहा है वहाँ पे एम्पियर के लिए जो डायमेंशन के तौर पे जो सिंबल यूज़ किया जा रहा है वो आई यूज़ किया जा रहा है, लेकिन एम्पियर ए सिंबल भी यूज़ हो सकता है। सो अगर आप लोग ए लिखें आई लिखें दोनों इक्वेलेंट है। सो दीज आर सिंपली द डायमेंशंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओके, now since we have already said that electrical resistance is nothing but it is simply the electrical friction or just as the concept of the drag force. There is a dependence of electrical resistance on some factors. Now we are going to study what are the factors on which this electrical resistance depends, factors affecting the electrical resistance are factors affecting electrical resistance are simply resistance, okay,
स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की रीज़न क्या है। मैंने आपको ये बताया था जब किसी भी कंडक्टर से बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं तो वो चार्जेस ड्यूरिंग देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर मोशन दे कोलाइड विद वन अनदर एंड ऑल्सो विद द आयंस ऑफ द विद द पॉजिटिव आयंस ऑफ दैट कंडक्टर। सो इस कलिजन की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, हीटिंग अप, हीट कंडक्टर जो है आपका हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है इसकी जो रीज़न है, जो कोर रीज़न है, वो सिंपली कलिजन ही है। अगर कलिजन ना होती तो सारे के सारे चार्जेस एक डायरेक्शन में ईजिली मूव कर सकते हैं, लेकिन चूँकि कलिजन होने की वजह से चार्जेस एक डायरेक्शन में ईजिली मूव नहीं कर सकते हैं, इसकी वजह से उनको अपोजिशन फील हो रही है एंड दिस अपोजिशन इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सो वी कैन से दैट द कोर रीज़न ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द कलिजन। नाउ the first factor that affect the electrical resistance is related to the length of conductor or material in which the current is flowing. Let us suppose that our material is a conductor, so length of conductor. Now students, ek common si observation ki baat hai, jab aap log length of conductor badha doge तो एक चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाने के लिए ज़्यादा कोलिजन्स का सामना करना पड़ेगा। अगर लेंथ कम हो तो यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कम कोलिजन्स होंगी, लेंथ ज़्यादा हो जाएगी नंबर ऑफ़ कोलिजन्स बढ़ जाएंगी। ऑब्वियस ही बात है, नंबर ऑफ़ कोलिजन्स बढ़ जाएंगी तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब लेंथ और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है। सो आई कैन से दैट the electrical resistance is directly related to the length of conductor. Secondly, the cross-sectional area of the conductor are simply the area of conductor. अगर आप लोग स्टूडेंट्स ये देखो कि एक वायर है जिसका एरिया लेट्स सपोज 1 मिलीमीटर है और एक वायर है जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर है। एक वायर का एरिया छोटा है, एक वायर का एरिया ज़्यादा है। अब ये कॉमन सी ऑब्जर्वेशन की बात है, जब एरिया ज़्यादा होगा तो स्पेस फॉर द मोशन ऑफ चार्ज वो बढ़ जाएगी, आपके पास नेट स्पेस फॉर द मोशन ऑफ चार्ज वो बढ़ जाएगी। जब स्पेस बढ़ जाएगी तब कलिजन्स कम होंगी। इसका बिल्कुल इसी तरह से आप लोग अपने माइंड में अज्यूम कर सकते हो। आप लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आप लोगों ने ये देखा था जब आपके पास एक कंटेनर हो, कंटेनर के ऊपर से आप लोग प्रेस कर दो तो अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कलिजन्स बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। उसी का अगर वॉल्यूम आप लोग ज़्यादा कर दो, पिस्टन को ऊपर की तरफ ले आओ, तो उनकी जो मॉलिक्यूल्स की जो आपस में कलिजन है वो कम हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाता है। सेम यही केस है, जब वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो स्पेस फॉर द मोशन ऑफ द चार्जेस वो बढ़ जाएगी, तो कलिजन कम हो जाएगी, कलिजन कम होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, दैट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द एरिया आर इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/a। सो दीज आर दी टू फैक्ट्स। द थर्ड फैक्ट इज़ द नेचर ऑफ मटीरियल पे डिपेंड कर रही है। आपका मटेरियल कंडक्टर है, इंसुलेटर है, और ये नेचर रिफ्लेक्ट होती है रेजिस्टिविटी से, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेजिस्टिविटी इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। सो नेचर ऑफ कंडक्टर और नेचर ऑफ मटेरियल इन विच द करंट इज फ्लोइंग, एंड फाइनली आपके पास रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। द फोर्थ फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड, दैट इज द temperature of your conductor or of your material in which the current is flowing. So temperature पर कैसे depend करेगी, आप लोगों ने याद रखना है, for metals temperature बढ़ने से resistance बढ़ेगी, for semiconductors temperature बढ़ने से resistance कम होगी, और ये क्यों कम होगी इसको भी हम लोग discuss करेंगे। So for the case of temperature, when temperature increases, then the resistance also increases. But this is the case for what? This is the case for the metals.
And for the semiconductors, if temperature increases, then the resistance will obviously decrease. The resistance will decrease, and this much is a case for the semiconductors. Okay. Now, since we have the two mathematical relations for the electrical resistance, that is, it is directly proportional to length of conductor, inversely proportional to cross-sectional area of the conductor. So, if I combine these two much relations, I will get a relation R is directly proportional to L divided by A. और मैंने आपको रीज़न बता दी है, ये लेंथ के साथ क्यों बढ़ रही है रेजिस्टेंस और यहाँ पे एरिया के साथ क्यों कम हो रही है. सो दिस इज साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. इफ़ आई रिमूव दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विद द साइन ऑफ इक्वलिटी, आई विल सिंपली गेट द रिलेशन आर विल बी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू एल डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, आर सिंपली आर दिस विल बी इक्वल टू rho, and here rho is acting as constant L divided by A. So this much is a final mathematical form for the electrical resistance, for the electrical resistance of the conductor. So from here you can see that resistance of conductor increases with length, resistance of conductor decreases with the cross-sectional area, and it depends upon constant, which is the rho, and this rho is called as the resistivity or specific resistance. Resistivity or specific resistance, resistivity or the specific resistance. Okay, यहाँ से हम लोग simply अगर मैं इस mathematical form से इस resistivity को define करना चाहूँ तो मैं अगर इस mathematical form को थोड़ा सा rearrange करके लिख दूँ. If I write it, चूँकि a यहाँ पर divide हो रहा है, यहाँ पर मैं इसको multiply कर देता हूँ, यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे इसको लाके डिवाइड कर देता हूँ. सो सिंपली आई विल गेट आर ए डिवाइडेड बाय एल, दिस विल बी इक्वल टू रो. सो फ्रॉम दिस मच मैथमेटिकल फॉर्म आई कैन डिफाइन द रेजिस्टिविटी रो. सपोज दैट मेरे पास एक कोई भी एक कंडक्टर है, एक सिलेंड्रिकल शेप में एक कंडक्टर ले लेता हूँ, जस्ट लाइक इस तरह से. ये एक सिलेंड्रिकल शेप में मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है, एंड सपोज दैट इफ़ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज दिस मच एरिया, इफ इट्स एरिया इज इक्वल टू 1 meter square, एंड इफ इट्स लेंथ इज ऑल्सो इक्वल टू 1 meter लेंथ, देन दिस रिलेशनशिप सेज वॉट. दिस रिलेशनशिप सेज आर इज इक्वल रो इज इक्वल टू आर A divided by L. Okay. Now I have the cross sectional area 1 meter square and length 1 meter. So putting the values, I will get rho is equal to R multiplied by 1 divided by 1. मैं just magnitude लिख रहा हूँ यहाँ पे. Okay. 1 divided by 1 simply will be 1, and R will be equal to rho. It means that from here, from this much mathematical form, I can define the resistivity of the any material as resistivity will be equal to resistance of that material when the cross-sectional area of that material is 1 meter square and the length is 1 meter. Or simply, we can say that the conductor having the cross-sectional area of 1 meter square and length of 1 meter has the resistance exactly equal to its resistivity. Or चूँकि इसका वॉल्यूम जो है, ये जो मेरे पास सिलेंड्रिकल शेप है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, सिंपली एरिया मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ. तो एरिया मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा. अगर मैं एरिया देखूँ तो एरिया मेरे पास है 1 meter square और लेंथ मेरे पास है 1 meter. सो 1 meter square मल्टीप्लाई बाय 1 meter, आई विल गेट 1 meter cube. दिस इज़ अ वॉल्यूम. सो फ्रॉम हियर यू कैन ऑल्सो डिफाइन दैट
resistance of 1 meter cube of the material is called as its resistivity. So this is another definition, and this is a definition I have picked from the ATR MCQ. So this is the way you can define the resistivity. So from this much mathematical form, we can also derive the unit for the resistivity. The unit for the resistivity, simply its unit is what? Its unit is simply, as its mathematical form says, rho is equal to R A divided by L. R has a unit ohms, omega. A has a unit meter square. Length has a unit meter. So this will simplify it into ohm into meter. So the unit of the resistivity is simply what? Ohm into meter. And from this much unit you can also derive its dimensions. How you can derive its dimensions? Simply rho, that is equal to ओहम इंटू मीटर. एंड ओहम के लिए आप लोगों ने ऑलरेडी इससे पहले डायमेंशन डिराइव कर चुके हैं, दैट इज एम एल स्क्वेयर टी पावर माइनस थ्री ए पावर माइनस टू. सो यू विल गेट एम एल स्क्वेयर टी पावर माइनस थ्री ए पावर माइनस टू. ये तो ओहम के हो गए. देन यू हैव मीटर, एंड मीटर हैव द डायमेंशन एल. सो दिस मच इज़ अ डायमेंशन. सिंपल इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा मजीद कर लेते हैं. यू विल गेट एम एल पावर स्क्वेयर इंटू एल पावर वन, ऑब्वियसली एल पावर थ्री, टी पावर माइनस थ्री एंड ए पावर माइनस टू. दीज आर द डायमेंशन ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. सो आपने इसको कैसे अरेंज करना है? सिंपली सबसे पहले इसको डिफाइन कर देना है कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 meter cube ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड एज इट्स रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग 1 meter square ऑफ एरिया एंड 1 meter length इज कॉल्ड एज इट्स रेजिस्टिविटी, एंड देन इट्स यूनिट एंड देन इट्स डायमेंशन. फाइनल चीज़ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डिपेंडेंस, कि ये रेजिस्टिविटी किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होगी. डिपेंडेंस, ओके. अगर आप लोग स्टूडेंट्स इस रेजिस्टिविटी की मैथमेटिकल फॉर्म देखें, दिस इज रो इज इक्वल टू आर एल बाय ए. फ्रॉम दिस मैथमेटिकल फॉर्म वन कैन से दैट रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है रेजिस्टेंस के ऊपर, लेंथ के ऊपर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर के ऊपर. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. रेजिस्टिविटी ना रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ना लेंथ पे डिपेंड करती है, ना क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है. इट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. लेट मी एक्सप्लेन यू. सपोज दैट आप किसी भी क्या कर देते हैं किसी भी कंडक्टर के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया. लेट अस सपोज दैट यू आर इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज यू आर इंक्रीजिंग द डिनोमिनेटर. लेट मी जस्ट चेंज दिस मैथमेटिकल फॉर्म. दिस इज आर इज इक्वल टू सॉरी रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, आर ए डिवाइडेड बाई एल. ओके, आर ए बाई एल. सपोज दैट आप किसी भी कंडक्टर के लिए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करते हैं. क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस मच रिलेशन, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लोग इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगी. न्यूमिनेटर में एक चीज़ इंक्रीज कर रही है तो न्यूमिनेटर में दूसरी चीज़ उसी अकॉर्डिंग डिक्रीज हो जाएगी. ये वाला प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहेगा. कहने का मतलब ये, अगर इनिशियली रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 यूनिट में मिस कर रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 थी, करंट की वैल्यू 2 थी, 5 टू सर सिंपली 10, आपने एरिया को बढ़ा के 5 किया, एरिया को बढ़ा के आप लोग 5 किया, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू दिस मच रिलेशनशिप कम हो जाएगी एंड इट विल गेट टू द वैल्यू 2, एंड 2 इंटू 5 अगेन 10. इसका मतलब एरिया बढ़ाने से तो कुछ भी नहीं हुआ. नाउ सपोज दैट मैं क्या करता हूँ, लेंथ इंक्रीज करता हूँ. इफ़ आई इंक्रीज द लेंथ, मैं डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस मच रिलेशन रेजिस्टेंस भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी, तो रेजिस्टेंस भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी. तो न्यूमिनेटर जितना इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ही न्यूमिनेटर भी इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब ये रेशियो सारी की सारी फिक्स रहेगी. इसका मतलब कि ये जो रेजिस्टिविटी है इट डजंट डिपेंड्स अपॉन दी
length, area or the resistance of conductor. It only and only depends upon the temperature of that कंडक्टर. एंड दिस मच इज़ आई टी एम सी क्यूज़. एंड आप लोग अपनी नीट नोटबुक्स पर भी ये आई टी एम सी क्यू अपने पास लिख लीजिएगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी हाउ दिस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. टिल दैट स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वेरी मच.